हमारे पिछले वीडियो घी दो बूंद जिंदगी की, इसमें हमने आपको दो बूंद घी नाक में डालने से क्या क्या चमत्कारी फायदे आपके शरीर में हो सकते हैं वो बताया था। वह वीडियो कुछ ही दिनों में लोगों को इतना पसंद आया कि 10 लाख से ज्यादा उसके व्यूज हो गए। उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। अब इतने सारे लोगों ने उस वीडियो को देखने के बाद कुछ सवाल भी उठाए थे, जैसे कि आप जो ये फायदे बता रहे हो इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, या क्या सच में नाक में घी डालने पर वो काम भी करता है, या फिर कुछ और सवाल जैसे कि अगर घी नाक में जम गया तो नाक में घी डालने से कोई ट्यूमर तो नहीं हो जाता, या श्वास की नली बंद हो जाएगी तो क्या करेंगे, या फिर घी तो नाक में डालते हैं पर वो दिमाग में कैसे काम करता है। ऐसे बहुत से सवाल लोगों ने हमसे कमेंट में पूछे थे, और एक तो कुछ फालतू से भी सवाल थे, जैसे कि इसको तो साइंस पता ही नहीं, आपकी डिग्री क्या है, आपको कुछ पता भी चलता है कि आप क्या बोल रहे हैं। तो उन सभी सवालों का जवाब लेकर आज हम इस नए वीडियो में आए हैं, जिसका नाम है नाक में घी डालने का विज्ञान। और इस वीडियो में आज हम पूरा साइंस जानेंगे कि आप जब नाक में कोई भी औषधि डालते हैं तो वो आपके दिमाग में किस तरह पहुंच के क्या क्या काम करती है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में, और आज हम बात कर रहे हैं पंच कर्म में से एक विशेष कर्म की, जिसका नाम है नश्य। नश्य शब्द का अर्थ होता है नाक में तेल, घी, पाउडर या किसी भी तरह की औषधि डालना। अब नाक में ये औषधियाँ क्यों डाली जाती है, तो इसका पहले आयुर्वेदिक विज्ञान समझते हैं। आयुर्वेद ऐसा कहता है नासा ही सिरसो द्वारम, अर्थात हमारी जो नाक है वो दिमाग का दरवाजा या गेट है, और जब हम नाक में हम कोई भी औषधि डालते हैं तो हमारे दिमाग में श्रृंगाटक मर्म है। अब ये मर्म क्या होता है? मर्म अर्थात शरीर के ऐसे पॉइंट, ऐसे वाइटल पॉइंट जहाँ पर चोट लगे तो आदमी तुरंत मर जाए। मार्यन्ते इति मर्म, मतलब जहाँ चोट लगते ही आदमी मर जाए। ऐसे 107 वाइटल पॉइंट हमारे शरीर में आयुर्वेद में बताए हैं। तो उसमें से जो श्रृंगाटक नाम का मर्म है वो नाक के ऊपर साइड दिमाग में वहाँ पर होता है, और वो सीधे का सीधा दिमाग, आँख, नाक और कान से जुड़ा हुआ है। तो आयुर्वेद ऐसा कहता है कि जब भी नाक में कोई औषधि डाली जाती है तो वो दवा श्रृंगाटक मर्म तक पहुंचती है, और श्रृंगाटक मर्म से वो फिर पूरे दिमाग में फैल जाती है, और ENT रिलेटेड या गले के ऊपर जितने भी रोग हैं उन सबको वो ठीक करने का काम करती है। अब इसी बात को समझते हैं आधुनिक विज्ञान के हिसाब से। आधुनिक विज्ञान ऐसा कहता है कि 12 तरह की क्रैनियल नर्व या नसें होती हैं। उसमें से जो पहली नस है उसका नाम है ऑल्फैक्टरी नर्व, अर्थात एक ऐसी नस जो आपके दिमाग और नाक से जुड़ी है। आपको जो कोई भी सुगंध, दुर्गंध या फिर जो गंध का, स्मेल का ज्ञान होता है वो इसी ऑल्फैक्टरी नर्व के कारण। तो यह नस सीधा आपके दिमाग और नाक से जुड़ी हुई है। इसे आप फाइबर ट्रैक ऑफ ब्रेन भी कह सकते हैं, अर्थात जैसे बिजली के या इंटरनेट के वायर यहाँ वहाँ फैले होते हैं, वैसे ही यह जो नस है वो दिमाग से जुड़ी हुई है। हैमिल्टन नाम के एक विशेषज्ञ ने 1966 में कहा था टर्मिनल एडजेसेंट नर्व, जो कि एक और नस है जो ऑल्फैक्टरी नर्व के साथ ही साथ चलती है, यह दोनों हमारे लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है। अभी लिम्बिक सिस्टम क्या होता है? लिम्बिक सिस्टम अर्थात हमारे जो इमोशन है, भावनाएं हैं, जो भी जज्बात है वो इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, और हाइपोथैलेमस हमारे शरीर में टेम्परेचर मेंटेन करना या हॉर्मोन्स का बैलेंस करना, ये सभी का काम करता है। तो दिमाग के जो ये मेन सेंटर हैं, उनसे ये नसें जुड़ी हुई हैं। और जब आप नाक में किसी भी प्रकार की औषधि डालते हैं तो यह जो नाक की नस है जिसका नाम है ऑल्फैक्टरी नर्व वो स्टिमुलेट हो जाती है, और यही जाके आगे दिमाग को भी जागृत कर देती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप सभी ने कभी न कभी नाक में छिकनी नाम का पहले एक पाउडर आता था, जिसे नाक में वो पाउडर लगाते ही हमें छींक आने लग जाती थी, या फिर
कभी कोई लकड़ी या कुछ ऐसा हल्का सा टच करने पे तुरंत छींक आने लग जाती है। वो क्यों? क्योंकि नाक में कोई भी चीज लगाने पर आपके दिमाग के जो लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो नाक में डाली गई दवा सीधा दिमाग से जुड़ी हुई है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि नाक और दिमाग का क्या रिलेशन है, क्योंकि दिमाग तो पूरी तरह से पैक है, तो फिर नाक की दवा दिमाग के अंदर कैसे पहुंच जाती है? इस सवाल का भी जवाब जान लेते हैं। दिमाग बाहर से तो पूरी तरह से पैक है, पर अंदर से इसके बहुत सारे दरवाजे या रूट है। एक जो स्पिनोइड नाम की हड्डी या बोन्स होती है उसमें कुछ विशेष खड्डे या फिर होल्स हैं, जिसे कि मेडिकल टर्म्स में फोरामिना कहते हैं। अब ये स्पिनोइड बोन के अंदर जो कोई भी खड्डे हैं, वहां से सभी जो हमारी आर्टरीज, वेन या नसें हैं, वो दिमाग से आती जाती हैं। जब आप किसी भी तरह की औषधि नाक में डालते हैं तो इन्हीं होल के जरिए वो जो नसें या आर्टरीज वेन आई है वो उन औषधियों को दिमाग तक ले जाती है और दिमाग को एक्टिवेट करती है। अब ये जो स्पिनोइड बोन के जो खड्डे हैं, इसका मेन काम तब आता है जब पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको कि मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, उसमें किसी न किसी तरह के रोग होते हैं। जैसे कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो गया या कोई ऐसा रोग हो गया जिसमें ऑपरेशन करना जरूरी ही है, सिर का ऑपरेशन की बहुत जरूरी है, तब उस टाइम पे जो सर्जन होते हैं या जो शल्य क्रिया करते हैं वो लोग इसी फोरामिना या इसी जो छेद खड्डे से दिमाग के अंदर जाते हैं और वहाँ का ऑपरेशन करते हैं। उस ऑपरेशन को ETSS कहा जाता है। तो भाई, नाक में दवा डालना आपके दिमाग को परफेक्ट टॉनिक देने का काम है। इसका एक्शन जैसे ही आप नाक में घी या कोई भी औषधि लगाते हो तुरंत चालू हो जाता है, एकदम तुरंत। इसीलिए तो आयुर्वेद में जो इमरजेंसी कंडीशन होती है, बहुत से लोग को ऐसे लगता है कि आयुर्वेद मतलब इमरजेंसी में थोड़ी कुछ करेगा, वो तो सिर्फ लंबे समय तक दवा खाते रहो तो ही कुछ करेगा। पर आज से 300 साल पहले जब किसी भी तरह की इमरजेंसी मेडिसिन का डेवलपमेंट नहीं था, उस टाइम पे जितने भी अर्जेंट केसेस या इमरजेंसी के केसेस होते थे उसे आयुर्वेद ही ठीक करता था। जैसे कि किसी को मिर्गी या लकवा आना, झटका लगना, एपिलेप्सी के अटैक आना, दमा, अस्थमा, ये सब के अटैक, या बहुत बार दिमाग के अंदर जो क्लॉट जम जाते हैं, उन सभी बीमारियों को आयुर्वेद में नाक में औषधियां डालकर ही ठीक किया जाता था। तो जैसे ही आप नाक में तेल, घी या कोई औषधि लगाते हैं, वहां पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां पे सीधा एब्जॉर्प्शन चालू हो जाता है, अर्थात वहां के जो सेल्स हैं, जो नर्व हैं, वो सभी उन औषधियों को खींचना चालू कर देते हैं। वो औषधि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नर्व सेल्स के पास जाती है, आगे चल के क्रिब्री फ्रॉम प्लेट ऑफ इथमोइड बोन्स वहाँ जाती है और आगे हाइपोथैलेमस या फिर लिम्बिक सिस्टम पे काम करती है। तो आपके नाक में जो औषधि डाली जाती है वो मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद दोनों कहता है कि ब्रेन को दवा देना है तो नासा ही सिरसो द्वारम, अर्थात नाक में ही दवा दो। अगला सवाल, क्या ये सच में काम भी करता है? अब भाई, नाक में दवा लगा ली, वो दिमाग में जाता है तो काम भी करेगी? ऐसे कई लोगों पे एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है जिनको किसी भी तरह की ओरल औषधि, मुंह से कोई भी दवा नहीं दी गई, सिर्फ उन्हें नाक में तेल, घी, पाउडर, जो उनके स्वभाव के लिए अच्छा था उस हिसाब से दवा दी गई, और कुछ ही दिनों में उनका स्वभाव बदलने लगा। जैसे जो लोग बहुत नशा करते थे, गुस्सा करते थे, चिड़चिड़े स्वभाव के थे, दिमाग जिनका बैलेंस नहीं था, हार्मोनल प्रॉब्लम थी, ऐसी सभी बीमारियां सिर्फ नाक में औषधि डालने से ही ठीक होने लग गई। इसलिए नाक में किसी भी प्रकार की दवा सच में काम करती है। एक और सवाल जो पूछा गया था वो ये था, नाक में घी जम गया तो? भाई, जो आपको घी यूज करना है वो हल्का सा गुनगुना या हल्का गरम यूज करना है, जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हल्का गुनगुना तेल या घी आपको यूज करना है। दूसरी बात, हमारे शरीर का टेम्परेचर जब 37 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें घी कहाँ जमेगा, तो आप आराम से उसे डाल सकते हैं। आप जैसे ही लेट कर या बैठ कर नाक में घी डालेंगे, थोड़ी देर बाद वो बूंद या ड्रॉप गले में आ जाएगी और फिर उसे थूक देना है, और उस दवा के जो भी मॉलिक्यूल्स थे वो ब्रेन में पहुँच के टॉनिक का काम करेंगे।
तो नाक में डाली गई दवा ना आपके श्वास को बंद करेगी, ना वो घी जमेगा और ना ही ट्यूमर करेगा। एक भाई ने सवाल पूछा था कि नाक में घी डालने से ट्यूमर हो जाता है। भाई, नाक में दवा डालने से ट्यूमर नहीं होता, बल्कि अगर आपको ट्यूमर हुआ है, ब्रेन रिलेटेड कोई कैंसरस सेल्स या गांठ हुई है, तो भी नाक में औषधि डालने से वो ठीक होती है। तो आज हमने जाना कि नाक में औषधि डालना आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों के हिसाब से सेफ है, सुरक्षित है। 5 साल के ऊपर या 8 साल के ऊपर के जो भी बच्चे हैं वो सभी इसका यूज कर सकते हैं। छोटे बच्चों को लिटिल फिंगर से आप नाक में औषधि लगा सकते हो। इसके कोई साइड इफेक्ट या नुकसान नहीं है। आयुर्वेद में तो सिर्फ 2 बूंद क्या 8, 16, 32 बूंद तक नाक में दवाइयां डाली जाती हैं, पर उसके लिए डॉक्टर की जरूरत लगती है। उसे आप घर पर ट्राई ना करें। अगर आपको घर में दवा डालनी है तो 2 बूंद काफी है। अब जो कुछ फालतू सवाल थे उसके भी जवाब जान लेते हैं कि क्या मुझे साइंस पता है, तो मैंने वो आपको बता दिया। सवाल नंबर 2, क्या मैं डॉक्टर हूँ? जी हाँ, मेरी BAMS की डिग्री है, अर्थात बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन और सर्जरी। और क्या मैं फेक डॉक्टर हूँ या मेरे पास डिग्री नहीं है? तो मेरे पास BAMS की डिग्री भी है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 74138, वो भी मुंबई का। तो भाई, हम आपको वही जानकारी देंगे जो आयुर्वेद में सच में कही है, जिसे मॉडर्न साइंस सपोर्ट करता है और जो सिर्फ आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। हमें किसी भी प्रकार का आडंबर या झूठी मार्केटिंग करने की कोई जरूरत नहीं। उम्मीद है नाक में घी डालने का साइंस या नाक में औषधि डालने का साइंस आपको पसंद आया होगा और इसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिससे कि वो समझ सके कि आयुर्वेद के अंदर कितनी महान महान चिकित्सा पद्धतियां हैं और कितने विशेष टेक्निक से हम कई बीमारियां ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें और YouTube पे ओज आयुर्वेद इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूले, जिससे कि नया वीडियो आते ही आपको तुरंत मैसेज आ जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।